हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैंने बनाया है ओल्ड दीघा का। दीघा कोलकाता से 4.5 से 5 घंटे की दूरी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की सबसे निकटतम बीच, सी बीच जो आप कह सकते हैं, वो है दीघा। दीघा वैसे अब दो भागों में विभाजित हो गया, एक ओल्ड दीघा और दूसरा न्यू दीघा। और ये जो वीडियो है ये मैंने ओल्ड दीघा का बनाया है। ये ओल्ड दीघा पहले कैसे था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार गई। मुझे शाम के टाइम पे ये जो लोग दुकानदार जो बैठे थे, ये खूबसूरत चीज़ें लेकर बीच के पास, मुझे बहुत अच्छे लगे। और सबसे ख़ास बात है कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, तो मैंने ये वीडियो में पूरा जो ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है मैंने वही रखा है। मैंने कुछ अपना ऐड ऑन नहीं किया है सिवाय वॉइस के। ये पूरा काफ़ी लंबा डिस्टेंस है आपका, ये होटल के पास से लेके पूरा जितने भी, देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। ये काफ़ी लंबा था, हम लोगों ने ज़्यादा तो चल नहीं पाए, आधी पौन घंटा के करीबन हम लोग चलते गए। और तब भी बहुत चहल पहल थी, खाने पीने की बहुत भीड़ लगी हुई थी और खाने पीने में बहुत वैरायटी थी, बहुत वैरायटी थी। ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरा उधर देखिए बीच है, समुद्र है। और मज़े की बात है, मैंने ये देखा कि वो स्टेयर से नीचे वहाँ पे जाकर भी बहुत सारे फेरी वाले और बहुत सारे दुकानदार बैठे हुए थे। सुबह तो बहुत धूप थी, शाम को हम लोगों ने थोड़ा बीच में एंजॉय किया उसके बाद। और ये देखिए फ़िश की वैरायटी, वैसे भी जो सी बीच होता है समुद्र के पास, वहाँ पे सी फूड्स बहुत पॉपुलर होता है, बहुत ऑप्शंस होते हैं, मोमो, झाल मुड़ी, फुचका, कोलकाता का फेमस फुचका। और इतना चहल पहल था ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी लोग छुट्टियां मनाने आए हम लोगों की तरफ। ये राइट साइड में तो सब वो बैठे हुए हैं दुकानदार वाले लोग, और लेफ्ट साइड में जो समुद्र दिख रहा है वहाँ पर भी नीचे उतर के सब दुकानदार लोग बैठे थे। फिश में वैरायटी देखिए, प्रॉन, स्क्विड, पॉम्फ्रेट। ये बैकग्राउंड में भी मैंने कुछ एडिटिंग नहीं किया। और हाँ ये बात बता दूँ, ये सभी फ्राइड आइटम थे, फ्राइड सबको ये लोग फ्राई करके देते हैं, कुछ भी तंदूर आइटम नहीं है। बच्चों के लोगों के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स थे। और ये बीच का काफ़ी बड़ा मैदान टाइप का था, तो यहाँ पे सब बच्चे अपने कार के ऊपर राइड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार। ये देखिए मैंने थोड़ा वीडियो लिया हुआ, काफ़ी लोग नीचे वहाँ पे जाके वो स्टोन पर बैठे हुए थे, थोड़ा देर हम लोग भी बैठे हुए थे। वो ठंडी ठंडी हवा से
वो समुद्र के पास बहुत अच्छा लगता है। हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो बात। ये सुबह का सीन है, कोई नहीं है, और ये दूसरा दिन। शाम को फिर हम लोग वॉक पे निकले। दो तीन दिन के लिए पश्चिम बंगाल कोलकाता से 4 से 4.5 घंटे की डिस्टेंस में ये समुद्री इलाका दीघा बहुत अच्छा समय है वीकेंड्स के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी दीघा के बारे में। मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।